नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए आज खीरा के फायदे लेकर के। जी हाँ, खीरा खाने के फायदे। बालों एवं त्वचा की देखभाल के लिए खीरे का प्रयोग। खीरे में सिलिकॉन एवं सल्फर बालों की ग्रोथ में मदद करते हैं, जो कि खीरे में उपस्थित होते हैं। अच्छे परिणाम के लिए आप चाहें तो खीरे के जूस को गाजर एवं पालक के जूस के साथ भी मिलाकर ले सकते हैं। फेस मास्क में शामिल खीरे के रस त्वचा में कसाव लाता है। इसके अलावा खीरा त्वचा को सनबर्न से भी बचाता है। खीरे में मौजूद एस्कोर्बिक एसिड एवं कैफीन एसिड पानी की कमी, जिसके कारण आंखों के नीचे सूजन आने लगती है, इसको कम करता है। शरीर को जल मिश्रित रखने में मदद करता है खीरा। खीरे में 95% पानी रहता है, इसीलिए यह शरीर से विषाक्त और अवांछित पदार्थों को निकालने में मदद करता है, जिससे कि शरीर को स्वस्थ और जल मिश्रित रखने में मदद मिलती है। पाचन के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है खीरा। खीरे के छिलके में ऐसे फाइबर मौजूद होते हैं जो घुलते नहीं हैं। यह फाइबर पेट के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। कब्ज की परेशानी को दूर करने में भी ये कारगर है। खीरे के छिलके से पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता है। यह हैंगओवर को कम करने में मदद करता है। शराब पीने के बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं, उनमें अगले दिन का हैंगओवर बहुत ही कष्ट देने वाला होता है। इससे बचने के लिए आप रात को सोने से पहले खीरा खाकर सोएं, क्योंकि खीरे में जो विटामिन बी, शुगर और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वे हैंगओवर को कम करने में बहुत ही मददगार होते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो भी खीरे का प्रयोग बेहद लाभकारी होता है। अगर आप अपना वजन कम करना चाह रहे हैं तो आज से खीरे के छिलके को अपनी डाइट में हिस्सा बना लीजिए। वैसे तो खीरा भी वजन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन छिलके के साथ इसका सेवन करना और भी अधिक फायदेमंद होता है, क्योंकि पेट में जब फाइबर जाता है तो पेट साफ रहता है और पाचन क्रिया हमारी दुरुस्त रहती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम सही रहता है। हम एक्स्ट्रा फैट से भी बच जाते हैं। कैंसर से भी बचाने में बेहद कारगर होता है खीरा। खीरा में साइकोइसोल, एनरिक्रिश्नोल, लैरिक्रिश्नोल और पाइनोरिश्नोल तत्व होते हैं। ये तत्व सभी तरह के कैंसर, जिनमें स्तन कैंसर भी शामिल है, इस सब के रोकथाम में कारगर है खीरा। मुंह में अगर आपके बदबू आती है तो उसको भी दूर करता है खीरा। अगर मुंह में बदबू आ रही है तो कुछ मिनटों के लिए मुंह में खीरे का टुकड़ा रख लें, क्योंकि यह जीवाणुओं को मारकर धीरे धीरे बदबू निकालना कम कर देता है। आयुर्वेद के अनुसार पेट में गर्मी होने के कारण मुंह से बदबू निकलता है। खीरा पेट को शीतलता प्रदान करने में मदद करता है, जिसकी वजह से बदबू आनी रुक जाती है। इसके अलावा औरतों को मासिक धर्म में अगर प्रॉब्लम है तो खीरे का हम प्रयोग बता रहे हैं। खीरे का नियमित सेवन से मासिक धर्म में होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलता है। लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान काफ़ी परेशानी होती है, वो दही में खीरे को कसकर उसमें पुदीना, काला नमक, काली मिर्च, जीरा और हींग डालकर रायता बनाकर खाएं, इससे उन्हें काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा विटामिन का अच्छा स्रोत है खीरा। खीरे के छिलके में विटामिन के पर्याप्त मात्रा मिलती है। ये विटामिन प्रोटीन को एक्टिव करने का काम करता है, जिसकी वजह से कोशिकाओं के विकास में मदद मिलती है। साथ ही इससे ब्लड क्लाइंटिंग की समस्या भी पनपने नहीं पाती है। आँखों के लिए बेहद कारगर है खीरे का प्रयोग। छिलके समेत खीरा खाने से आँख की रोशनी अच्छी रहती है। इसके छिलके में बीटा कैरोटीन होता है, जिससे आँखों की रोशनी अच्छी होती है। इसके अलावा मसूड़ों को स्वस्थ बनाता है खीरा। खीरा खाने से मसूड़ों की बीमारी कम होती है। खीरे के एक टुकड़े को जीभ से मुंह के ऊपरी हिस्से पर आधा मिनट तक रोकें। ऐसे में खीरे से निकलने वाला फाइटोकेमिकल मुंह की दुर्गंध को खत्म कर देता है। इसके अलावा हमारी स्किन के लिए बेहद कारगर होता है खीरे का प्रयोग। टैनिंग और सनबर्न में भी खीरे के छिलके का इस्तेमाल फायदेमंद साबित होता है।
इससे त्वचा का रूखापन भी कम होता है और मॉइस्चराइजर बना रहता है। खीरा काटने के बाद आप उसके छिलके को हल्के हाथों से लगा सकती हैं। कई लोग इसके छिलके को सुखाकर पीस लेते हैं और उसमें गुलाब जल की कुछ एक बूंदे मिलाकर के फेस पैक तैयार करते हैं और इसे फेस पर इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक बेहद ही कारगर विधि है जिसके सहारे आप अपनी स्किन को बेहद ग्लोइंग और खूबसूरत बनाए रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए खीरे के फायदों से रिलेटेड। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और अच्छी शोध जानकारी, महत्वपूर्ण जो कि हो आपके लिए, लेकर के। तब तक के लिए।